रहा है बंगाल नजर आ रहा है। लपेटे में नेताजी की नाव फिर गंगा नदी पर। जी हां, कुछ चरण हो चुके, कुछ चरण बाकी। चरण चरण नेताओं के कहां कहां जाने हैं वो देखिए, क्योंकि कुछ के लिए कहा जा रहा है कि उनकी नाव चल पड़ी, कुछ के लिए कहा जा रहा है कि नाव चली गई। खैर, किसकी आई किसकी गई बताएगी 2 मई। तब तक लपेटे में नेताजी की नाव यहाँ गंगा नदी पर है। कोलकाता शहर, विद्यासागर सेतु हम सामने देख रहे हैं, कुछ देर में आप भी देखेंगे जैसे ही कैमरा वहां पहुंचेगा। स्वागत करते हैं मंच पर कवि गौरव चौहान का, चिराग जैन, सुदीप भोला और कवि विनीत पांडे। अच्छा, नेता तो कुछ लपेटे जा चुके हैं, आपने वोट देकर लपेट दिया है, कुछ अभी वोट जो आप देंगे उसमें लपेटे जाएंगे। यहां पर कौन लपेटे जाने वाला है उनका स्वागत करते हैं। बीजेपी से हमारे साथ हैं उमेश राय जी, तृणमूल कांग्रेस से विवेक गुप्ता जी, और कांग्रेस से चंदन घोष चौधरी जी। सबसे पहले तो मैं आज कवियों से शुरू ना करके विवेक जी से शुरू करूंगा। विवेक जी, आपकी नाव कहां तक पहुंची अभी? हमारा चुनाव अंतिम पड़ाव में है, 29 अप्रैल को, तो मिडवे आप कह सकते हैं, तो अभी तो शुरुआत हुई हमारी। आपकी नाव, बीजेपी की नाव? देखिए, हमारी तो नाव चल पड़ी है बंगाल में सरकार बनाने के लिए, और 2 मई को दीदी गई और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप अपनी नाव का चप्पू कौन सी नाव में डालेंगे? हम लोगों का अपना आइडेंटिटी है, जो चुनाव लड़ रहा हूँ, एंड डेमोक्रेसी में ये चुनाव लड़ना भी जरूरी है, ये हारना जीतना तो दूसरा बात होता है। लड़ने के लिए लड़ रहे हो? नहीं, हम लोगों का जो थर्ड फैक्टर है, हम लोग उम्मीद करता हूँ ये थर्ड फैक्टर इलेक्शन प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो इलेक्शन अगर प्रेडिक्ट करे तो डेमोक्रेसी खतरे में गिरेगा। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ, हम लोग है फ्रेम में, हम लोगों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, इलेक्शन प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्शन में, इलेक्शन एक ऐसी रेस है जिसमें गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं होता, एक ही विजेता होता। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, वाह। सुदीप जी, बंगाल चुनाव में चेयर के लिए लीडर्स ने इतना आनंद दिया है जितना मजा चीयर लीडर्स देते हैं। बिल्कुल वही आनंद आ रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ भगवान प्रभु राम के उससे, और आपका जो दृश्य दिख रहे हैं जोड़ता चलूंगा, साथ में अगर गाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रातः की बेला है, राम का नाम लेने में कहीं कोई बुराई नहीं है। सुनिएगा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राजनीत की कथा अनंता कह ही सुनही बहु विधि सब संता, कवि जन शुरू करें प्रोग्राम, राम सिया राम भगवा पहन, सुनिएगा सर, भगवा पहन बने भज पाई, उनकी भली करें रघुराई, अमिया से ये बन गए आम, सियारा। आपने देखा वो कच्चा आम पहले हरा होता है, जब पक जाता है तो फिर आता है भगवा, अमिया से ये बन गए आम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हाथ लिए दीदी फुटबॉला खेल रही है बोली बोला, बोली बोला, बोली बोला है। हाँ, वो ऐसे ऐसे खेल रही थी, मैंने कहा ये बॉली बॉल, तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा ये बॉली बॉल नहीं, ये बोली बॉल है। इसमें मैं नमन करूंगा इनको, हाथ लिए दीदी फुटबॉला खेल रही है बोली बोला, इनको नमन है 200 ग्राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। और एक प्रश्न मैं आपसे भी करता हूँ सर,
आपका तो क्लियर है कि आप क्या चाहते हैं के रोहिंग्या बसे घुस पैठे बांग्लादेशी सर पर बैठे कौन लगाए पूर्ण विराम सियाराम सियाराम जय जय राम। तो आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपकी पार्टी बार बार कह रही है राम के नाम से परहेज नहीं है लेकिन राम के नाम के इस्तेमाल से परहेज है। एक तो मैं हनुमान नहीं हूँ कि सीना चीर के दिखा दूँ कि मैं भी हिंदू हूँ, और मुझे ना दरकार है किसी भी भाजपाइयों को या किसी और को बताने का कि मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ, ये मेरा धर्म है, ये मेरे और मेरे भगवान के बीच में। मगर राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति लाना दोनों ही निंदनीय काम। बढ़िया बात, वाह। देखिए विषय पूर्ण रूप से कवि जी ने एक बहुत सेंसिटिव विषय को छू, नहीं ये कह रहे राजनीति में धर्म क्यों लाते हैं। मैं आपको बताऊँ, जिसका धर्म नहीं उसका कुछ भी नहीं। धर्म तो चाहिए ही, चाहे वो राज धर्म हो या अपने परिवार के लिए या देश के लिए धर्म हो, धर्म तो चाहिए। लेकिन जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री जय श्री राम को गाली गलाज कहती है, वैसे उनके पार्टी के उम्मीदवार सीना फाड़कर अपने आप को हनुमान बताने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं राम की ही कृपा है। एक बात जानता हूँ भाई साहब, तीनों को प्रणाम करता हूँ। बात चल रही है इतने चरण हो गए, मेरा मानना है चुनाव में दो ही चरण होते हैं, चुनाव से पहले नेता जनता के चरणों में और चुनाव के बाद जनता नेता के चरणों में, और कोई चरण होते नहीं है। और बंगाल में गुप्ता जी जिस तरीके का चुनाव चल रहा है, भाषा और हिंसा देखकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव बंगाल में नहीं OTT चैनल पे चल रहा है। कि ऐसा चढ़ा चुनावी रंग, सबने खूब किया हुड़दंग, जनता हो गई इनसे तंग, वोट से बदला लेगी रे, जनता हो गई इनसे तंग, वोट से बदला लेगी। और क्या क्या किया है बंगाल का चुनाव देखते हैं ऐसा लगता है कोई एंटरटेनमेंट चैनल चल रहा है। कि इसने थोड़ा झूठ कहा तो उसने इससे ज्यादा, मैं इस और उसमें क्लियर नहीं करूंगा, सब जानते हैं किसने कितना कहा। इसने थोड़ा झूठ कहा तो उसने इससे ज्यादा, नीति नियम की हर एक नेता भूल गया मर्यादा, इतना बड़ा आत्मविश्वास झट से पलट दिया इतिहास, सबने खुलकर की बकवास, ये जनता झटका देगी रे, ऐसा चढ़ा चुनावी रंग, सबने खूब किया हुड़दंग, जनता हो गई इनसे तंग, वोट से बदला लेगी रे। इसने चंडी पाठ पढ़ा तो वो लाया रामायण, भगवान भी कंफ्यूज है, एक मंदिर में दोनों चले गए, TMC वाले भी भाजपा वाले भी, कि भगवान हमें आशीर्वाद दो, भगवान ने आशीर्वाद दिया प्रदेश का विकास हो, दोनों हार गए। अच्छा बहुत बढ़िया, भगवान तक कंफ्यूज कर दिए। नहीं आप तो गए नहीं भाई साहब, हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया था ना। किसने चंडी पाठ पढ़ा तो वो लाया रामायण, नेताओं के गोत्र धर्म पर सिमट गए सब भाषण, अब तो कोढ़ में हो गई खाज, छलनी के संग बोला छाज, सुन ले सारे नाटकबाज, ये जनता सब धो देगी रे, ऐसा चढ़ा चुनावी रंग, सबने खूब किया हुड़दंग, जनता हो गई इनसे तंग, वोट से बदला लेगी रे। बहुत अच्छा लगता है, आजकल ऐसा लग रहा है बंगाल का चुनाव नहीं है, ऐसा लग रहा है ईडन गार्डन में विश्व कप का फाइनल चल रहा है, और पूरी मीडिया पर पूरे हिंदुस्तान पर दीदी का हल्ला है, हल्ला ही मचा हुआ है। अब आनंद ले सुनिए कि भीषण है संग्राम दीदी हल्ला रखे, भीषण है संग्राम दीदी हल्ला रखे, और दीदी का है काम दीदी हल्ला रखे, दीदी का है काम दीदी हल्ला रखे हो, और दीदी पर इल्जाम दीदी हल्ला रखे, भीषण है संग्राम दीदी हल्ला रखे। और सुनना और तालियां जोर से आए, हार्ड कभी कभी लूज हो गई दीदी खुद कंफ्यूज हो गई, अरे हार्ड कभी कभी लूज हो गई दीदी खुद कंफ्यूज हो गई, जो तृणमूल का था सत्कारी आंख दिखाए वही अधिकारी, फंस गया नंदी ग्राम दीदी हल्ला रखे, अरे फंस गया नंदी ग्राम दीदी हल्ला रखे, और दीदी पर इल्जाम दीदी हल्ला रखे। अब ये कर क्या रही दीदी,
नड्डा से नाराज हो गई, गुस्से की आवाज हो गई। और बीजेपी वाले क्या करते हैं, अपनों से ही भिड़ा रही है, जानबूझ के चिढ़ा रही है, बोल के जय श्री राम दीदी हल्ला रखे, अरे दीदी पर इल्जाम दीदी हल्ला रखे। और दीदी के सामने सुधीर भैया संकट भी हैं, सारी बीजेपी है घेरे, पूरी भाजपा इस समय कलकत्ता में है कि सारी बीजेपी है घेरे, नड्डा शाह जमाए डेरे। अगली पंक्ति पर तालियां उठें पश्चिम बंगाल के लोगों की, आनंद के क्षण तो आनंद में ही करूंगा बात कि सारी बीजेपी है घेरे, नड्डा शाह लगाए डेरे। हालत आगे कैसी होगी, हालत आगे कैसी होगी, घूम रहे हैं बाबा योगी, जय जय गोरखधाम दीदी हल्ला रखे, अरे दीदी पर इल्जाम दीदी हल्ला रखे। तो ये हल्ला तो 2 मई के बाद खत्म होगा सर। भैया बताइए फंस गया नंदीग्राम? भय और लोभ ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। और बीजेपी का जो दफ्तर है वहाँ मेटल डिटेक्टर की जगह एक तो शुद्धिकरण द्वार बना हुआ है, जो भी इस द्वार से अंदर जाता है उसकी शुद्धिकरण हो जाती, उसके ऊपर देश की ईडी सीबीआई कोई भी जांच एजेंसी कोई भी काम करना बंद कर देती है। तो इस तरह का मुकाबला हम तो नहीं कर सकते। ये वो कह रहे हैं कि ये जो विक्षोभ है इसका कारण लोभ है। जी मैं बता रहा हूँ, ये जो शुद्धिकरण का जो मशीन है ना, ये हमने तृणमूल से ही लिया है। मशीन भी आपने तृणमूल से ली, नेता वेता सब। राजनीति की स्थिति ऐसी है, मैं आपको बताऊँ, कल तक शुभेंदु अधिकारी सबसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता थे, बीजेपी में आते ही वो गद्दार हो गए। आप मुझे बताइए दिनेश त्रिवेदी को किस बात की लोभ? दिनेश त्रिवेदी जी क्यों गए भाजपा में, ये आपको जवाब जो है थोड़े दिन बाद मिलेगा। सभी को प्रणाम करता हूँ सर, बहुत सीरियस मामला हो रहा है, मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। नंदीग्राम की बहुत बात हो रही है, नंदीग्राम के बाद बचा हुआ चुनाव, हालांकि ममता बे एनर्जी ही लड़ रही हैं, बहुत अच्छे। मगर मैं फिर भी दीदी से शुरू करना चाहता हूँ, आनंद लीजिएगा, बिल्कुल मजे आएंगे आपको। दीदी तो इस बार कमाल कर रही है, लोग चुनाव में खड़े होते हैं, दीदी बैठ के लड़ रही है। बहुत अच्छे। दीदी बैठ के लड़ रही है और बीजेपी को ये रणनीति खल रही है, बंगाल की कुर्सी कैसे मिलेगी, दीदी तो कुर्सी साथ लेकर चल रही है। दीदी तो कुर्सी साथ लेकर चल रही है, वैसे लगता है बीजेपी फैक्टर बंगाल पर असर कर रहा है, जो कभी और पंक्तियां देता हूं संभाल लेना, वैसे लगता है बीजेपी फैक्टर बंगाल पर असर कर रहा है, जो कभी सीएए को छीछी करती थी उन्हें आज गोत्र तक बताना पड़ रहा है, पर शायद समय इस तरह उधार चुकता नहीं करता, और मेरी बात आपको सच्ची लग जाए तो अपना समर्थन कीजिएगा, पर शायद समय इस तरह उधार चुकता नहीं करता, अगर उस दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन नहीं रोकती तो आज चंडी पाठ करके गोत्र नहीं बताना पड़ता, पर एक संकट और है, और संकट सुन के भाजपा वालों को ज्यादा मजा आएगा, एक संकट और है, कहीं ममता की वजह से माया और राम दोनों मत खो जाएं, चंडी पाठ मंदिर भ्रमण और गोत्र जैसी बात सुनकर पक्के वाले 20-30% वोट का नुकसान न हो जाए। पक्के वाले 20-30% वोट का नुकसान मत हो जाए, दीदी खुद जीत के दावे पर कंफ्यूजन का भाव जगा रही है, लोग शपथ ग्रहण पर निमंत्रण भेजते हैं, दीदी चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगा रही है, पर सवाल है कि एक तरफा जीतने वाली टीएमसी के राज में विकास होबे का नारा क्यों छा रहा है, और अंतिम पंक्ति देता हूं और लगे कि कारण यही है तो बताइएगा, पर सवाल है कि एक तरफा जीतने वाली टीएमसी के राज में विकास होबे का नारा क्यों छा रहा है,
वो इसलिए कि शायद जनता को व्हील चेयर पर दीदी नहीं बंगाल नजर आ रहा है, बंगाल नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी को कौन लपेटेगा, आप सब इधर ही लपेट रहे हो। सारे मिलके दीदी के पीछे पड़े हैं आप लोग। सुना देता हूँ मैं के पिछू पड़े हैं, दीदी बोल रही है पिछू पड़े हैं, मेरे पिछू पड़े हैं, दीदी के पीछे सारे बिच्छू पड़े हैं, कुछ नेता आगे कुछ पीछे खड़े हैं, कुछ छत के ऊपर कुछ नीचे खड़े हैं, पिच्छू पड़े हैं, देखो पिच्छू पड़े हैं, दीदी के पीछे देखो बिच्छू पड़े हैं। अब देखिएगा, अब तुमने जिक्र किया था कि पूछा पंडित ने तो दीदी ने बताया गोत्रा। अच्छा गोत्रा, हाँ। पूछा पंडित ने तो दीदी ने बताया गोत्रा, उन्होंने पार्टी के ही नारे को बनाया गोत्रा, वैसे सांडल्य है, वैसे सांडल्य है, रग रग में समाया गोत्रा, भाजपा वालों को क्यों रास न आया गोत्रा, गोत्रा बड़ा है या मुद्दे बड़े हैं, गोत्रा बड़ा है या मुद्दे बड़े हैं, सारे ये दीदी के पीछे पड़े हैं, पिच्छू पड़े हैं, देखो पीछे। तो सारे मिलकर के आपने दीदी को अभिमन्यु बनाने का प्रयास किया है, देखते हैं आगे क्या है। क्या बात है, क्या बात। देखिए, स्वाभाविक रूप से पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस भरोसे के साथ इस बंगाल में परिवर्तन किया था, वो भरोसा कहीं ना कहीं लोगों का टूटा है। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2011 के समय में माननीय मुख्यमंत्री तब यहाँ की अग्निकन्या हुआ करती थी, और उन्होंने बंगाल की जनता से ये वादा किया था कि मैं बंगाल के किसानों के चेहरे पर खुशी लाऊंगी, मजदूरों को उनका हक दिलाऊंगी, शिक्षा की व्यवस्था उन्नत करूंगी, स्वास्थ्य व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाऊंगी, बंद कल कारखाने खुलवाऊंगी, ऐसे मुद्दों को लेकर वो चुनाव जीती। इन सब पे कहाँ लड़ रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, इसके बाद जब उनकी सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल देश का वो पहला प्रदेश बना जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ, और महिलाओं के बलात्कार। ये तो चुनावी रैलियों में आप बोल ही रहे हैं। बता रहा हूँ आपको, ये देखिए मुद्दा का विषय ऐसा है कि हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि दीदी इस बार जब चुनाव के मैदान में आएंगी तो अपने एक हाथ में 2011 से 2016 का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगी, दूसरे हाथ में 2016। ऐसा कहाँ होता है, कौन सा नेता रिपोर्ट कार्ड लेके आता अपना? मोदी जी ने दिखाया, हम तो रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़े 2019 का, हम तो लड़े, हम तो घड़ी डिटर्जेंट टिकिया जैसा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हमने तो काम दिखाया, हम तो काम दिखाकर वोट मांगते हैं। हमें उम्मीद थी कि दीदी दो हाथों में दो रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगेंगी, लेकिन दीदी को पैर का प्लास्टर दिखाकर वोट मांगना पड़ा, ये बंगाल की जनता नहीं समझ पा रही। जय श्री राम की बात हुई उसी पर एक, और अभी रिपोर्ट कार्ड की जब उन्होंने बात की तो मुझे एक रामायण की एक चौपाई याद आ गई, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रिपोर्ट कार्ड की जब बात हो रही है तो 2014 से मोदी जी ने जितने वादे किए हैं, 15 लाख नौकरियां, उस पे तो वो कह रहे हैं 2019 पे लोगों ने मोहर लगा दी। मोहर नहीं लगाई, अभाव के विकल्प को मोहर लगाना नहीं कहते हैं। तो अभाव का विकल्प है? नहीं, यहाँ पर एक विकल्प का अभाव था 2019 में, इसलिए उनको मोहर मिल गई। मगर पश्चिम बंगाल में 2019 में मोदी जी आके कहे थे मैं दो विकल्प का अभाव था या विकल्प को कोई भाव नहीं दे रहा था, दोनों बातें। मैं आपकी दूसरी बात से भी सहमत हूँ कि विकल्प को भाव नहीं मिला, मगर 2019 में मोदी जी इसी बंगाल में आके बोल के गए मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, फिर थोड़े दिन पहले आके बोले 75 लाख नौकरी दूंगा। मैं मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री, 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपके यहाँ पर एक उनसे निवेदन है हमारा, जब भी बंगाल में है थोड़ी कम कड़वाहट के साथ आएँ, जैसा भी भाई साहब बता रहे थे एयरपोर्ट पे उतरे, यहाँ उतरते ये भाजपा के जितने भी हमारे मित्र हैं, मैं मित्र मानता हूँ उनको, राजनीतिक मित्र हैं, क्योंकि जो भी लड़ाई है 2 मई के बाद हमारी इनसी लड़ाई खत्म हो जाएगी, उनको मिष्टी दही रसगुल्ला बंगाल का दोनों फेमस है, जरूर खिलाएं, थोड़ा उनका कड़वाहट कम हो जाए, बंगाल के लिए अच्छा कहे। एक देश का प्रधानमंत्री आके अपने ही प्रदेश की बुराई करे, ये शोभा नहीं देता पूरा। मैं इस विषय पर मैं बता दूँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कमर में रस्सी बांधकर घुमाने की बात कही थी, और कहा था कि जब वो बंगाल में आएंगे तो मैं उन्हें मिठाई में कंकड़ डालकर खिलाऊंगी। ये पश्चिम बंगाल की परंपरा नहीं है, बंगाल की परंपरा रही है हमेशा से कई प्रदेशों के लोगों को अपना बनाकर इस प्रदेश में रखने का काम किया। मेरे बाप दादा भी यहाँ कमाने के लिए आए, उन्होंने इस बंगाल को सहृदय स्वीकार किया, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से बाहरियों का नारा देकर
माननीय मुख्यमंत्री ने प्रवासियों का अपमान किया है, ये बंगाल की जनता इस चुनाव में उनको जवाब देगी। चलिए अगली कविता पर जाने से पहले मैं सिर्फ एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि भाव क्यों नहीं देते विकल्प को? आप तो विकल्प कई बार बनने की कोशिश की राष्ट्रीय स्तर पर, आपने आपको भाव क्यों नहीं मिलता? ये भाव मिलने का बात नहीं, जवाब तो है सबके पास, फिर भी आपसे सुन ली। नहीं, भाव मिलने का नहीं है, ये भाव मिलने का बात नहीं है, बात ये है ये इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ये तो है पहले का बात है। दूसरा बात ये जो मोहर लगाने का बात बोले 14 से 19, तो पहले कांग्रेस का इतिहास क्यों लाते, तब मोहर तो कांग्रेस का भी लगाए थे, तो बात तो ये नहीं बनता। बालाकोट भी बने थे, उनका भी रिपोर्ट कार्ड चाहिए, ऐसा बात है 2019 में, ये बालाकोट का भी रिपोर्ट कार्ड चाहिए। मोदी जी 7 साल में क्या रिपोर्ट कार्ड बनाए? और दीदी ये तो सही बात है, 2011 बहुमत मिले, 2016 बहुमत मिले, लेकिन दीदी का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? रिपोर्ट कार्ड तो नहीं है, लेकिन ये दो पार्टी यहाँ पे धर्म पोलराइजेशन, जात पात धर्म को लेकर आप कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, रिपोर्ट कार्ड पे वोट नहीं मांगते। एक तो आपकी बात, दो बार आपने एक बात कही तो अभी यहीं बैठे बैठे कुछ बन गया, अभी लिखा भी नहीं है। अच्छा। कि लोकतंत्र में चुनाव आत्मा होता है, एक जीतता है एक हार कर लोकतंत्र की इज्जत संवारता है। अगर सभी जीत गए तो हारेगा कौन? हम नहीं होंगे तो लोकतंत्र की इज्जत संवारेगा कौन? इसलिए आपका विशेष योगदान। भाई साहब एक प्रश्न मेरा आपसे बनता है, ये तो मैंने यूं ही चलते फिरते कर दिया, कांग्रेस से आजकल लोग चलते फिरते ही बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे मैं ठहर कर बात करता हूँ। कल रात घर लौटने की जिद की तो मित्र ने समझाया, रात घनी है रास्ता लंबा जंगली और डरावना भी, अरे यहीं रुक सुबह चले जाना, मौसम खराब हुआ तो आत्मा हिल जाएगी, तू आदमी है, वोटों से भरी ईवीएम नहीं जो लिफ्ट देने के लिए भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी मिल जाएगी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई। नहीं आपने मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पर ही प्रश्न उठा दिया। नहीं भाई साहब, पूरे भारतवर्ष में, मैं आपको बताऊं, पूरे भारतवर्ष में जो चुनाव की प्रक्रिया है, एक दिन में एक प्रदेश का चुनाव होता है, लेकिन इस पश्चिम बंगाल में एक इतने छोटे प्रदेश में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को कमर कस के 8 चरणों में चुनाव कराना पड़ रहा है, जहां पर लोग विकास की बात नहीं करके तृणमूल कांग्रेस के लोग लोगों को खेला होबे बोलकर डरा रहे हैं, आप इसमें क्या उम्मीद लगा सकते हैं? या लोकतंत्र, पंचायत के चुनाव में 60% सीटों पर दूसरे विरोधी दल के लोगों ने नामांकन तक नहीं किया, ये तृणमूल कांग्रेस ने इस पश्चिम बंगाल में भय का माहौल बनाया है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर ईवीएम को अपनी गाड़ी में ले जाना हुआ, अपने प्राण की का बलिदान भी देना हुआ तो देंगे, और इस लोकतंत्र को बचा, ईवीएम को बचा के ले जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। ईवीएम से इज्जत बचाना चाह रहे हैं, ईवीएम को नहीं बचा रहे, ईवीएम के जरिए अपनी इज्जत बचा रहे हैं। मैं उमेश जी से सीधा सीधा सवाल है, इलेक्शन कमीशन, कोई तो पूछो इनसे सीधा सवाल। हाँ कमीशन, नहीं क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन, इनका केंद्रीय बल, केंद्रीय सुरक्षा बल में आपको उन पर भी भरोसा नहीं कि आपको 8 चरण में कराना पड़ रहा है? जितने बल चाहिए थे उससे जरूरत से ज़्यादा बल आप लोगों ने बुलाया यहाँ पर, फिर भी आपको यहाँ पर हिंसा का भय लग रहा है? वो तो कह रहे हैं, वो तो चुनाव आयोग करवा रहा है, ये थोड़ी करवा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग 8 चरण पे करना क्यों किया जा रहा है, किसके इशारे पे किया जा रहा है, ये सब जानते हैं, यहाँ किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ एक चरण में यहाँ बहुत शांतिपूर्वक बहुत आराम से हो सकता है, और थोड़ी देर पहले उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ कहा था, तो मैं उनको बता दूं कि एक बार अपना फैक्ट फिगर देख लिया करें, उन्हीं का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि अमित शाह जी के मंत्रालय के अंदर में आता है, उसने बंगाल को 3rd safest और कलकत्ता को 2nd safest city फॉर वुमेन कहा है। तो वो अपना कहीं नाराज़ नहीं हो जाए अमित शाह जी, इसलिए मैं उनकी मतलब बता देना चाहता हूँ। खाली देखिए चुनाव आयोग की जो बात है, मैं स्पष्ट रूप से कह दूँ, 2011 के चुनाव में जब सत्ता परिवर्तन बंगाल में हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दिल्ली में गुहार लगाई और कई चरणों में 6 चरणों में चुनाव कराया, और वो पूरा का पूरा चुनाव ईवीएम से हुआ था और केंद्रीय बल के नेतृत्व में हुआ था। तब तो ये सेंट्रल फोर्सेस इनको अच्छी लगती थी, चुनाव आयोग अच्छा लगता था, अब 8 चरण में उनकी गुंडागर्दी को रोकने के लिए चुनाव हो रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। रहा बात महिलाओं की सुरक्षा का, तो इसी पार्क स्ट्रीट में जब एक लड़की की बलात्कार हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसे सजाया हुआ घटना कह दिया, और ये पहला प्रदेश है पूरे भारतवर्ष का जिसमें रेप हुई महिलाओं का रेट तय किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, इतने से इतने उम्र की महिला का बलात्कार होगा तो इतना रुपया जुर्माना मिलेगा या उनको मिलेगा, इससे ज़्यादा का आप कल्पना कर सकते हैं? एक महिला मुख्यमंत्री के होते किसी महिला पीड़ित महिला का रेट तय किया जी, उत्तर प्रदेश में जिस हाथरस में जिस महिला का रेप हुआ, उस जर्नलिस्ट ने जिसने इस रेप की घटना उसके ऊपर कल टेररिज्म चार्ज लगाया उत्तर प्रदेश ने, ये तो हम पत्रकारों की हालत है उत्तर प्रदेश में, अगर हम रेप का रिपोर्ट भी लिख दे तो भी जेल हो जाएगा। तो इस पर 2 लाइनें हैं, तुम कत्ल करो तो हम आ भी ना करें, तुम आ भी करो और वो कत्लेआम हो जाता है। आप दोनों जीत और हार में उलझे हो, कांग्रेस तो इसी में खुश है कि वो चुनाव लड़ रही है,
जो डेमोक्रेसी हम लोग स्टैब्लिश किए, जो कांग्रेस का इतना सारे स्ट्रगल से जो डेमोक्रेसी बनाए, इसका फायदा ही लोग ले रहे, लेकिन कांग्रेस फिर आएगी। आपने सच में सर, आपने आपने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन हालत अब ये है, हालत अब ये है कि आप एक अकेले आदमी को स्ट्रगल करा रहे हो। आप अभी हालत का बात, आप एक ही आदमी को स्ट्रगल करा रहे हो। अगर आप यही प्रोग्राम कीजिएगा तब आपका वर्जन थोड़ा दूसरा बन जाएगा। मैं कविता करता हूँ, भाषण नहीं सुनेगा आप। लेकिन आपने जो गठबंधन कराया है, मतलब क्या जोड़ी है भाई साहब सीपी, अरे वाह, और गाना बनता है इसमें तो कि वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, कांग्रेस सीपीआई को बधाई हो बधाई, और एक कुआ में लटका दूजे के आगे है खाई, अरे वाह वाह राम जी, अरे थ्योरी में दोनों पास रहे, सिद्धांत आपके बहुत अच्छे हैं, आदर्शवादी, थ्योरी में दोनों पास रहे, प्रैक्टिकल में बकवास रहे, और दोनों सबसे ही ओल्ड रहे, अब हर बॉलिंग पे बोल्ड रहे, एक भीड़ में अकेला, अरे एक भीड़ में अकेला, दूजा नीम पे करेला, अच्छा है भाई, जैसे अंधे बहरे की हो गई सगाई, अरे कांग्रेस सीपीआई को बधाई हो बधाई, और एक कुआ में लटका दूजे के आगे है खाई। अब सुनिए, आखिर साथ में क्यों आए, कि दोनों की अभी अटकी अटकी, और दोनों की दिशा भटकी भटकी, अब ताली उठना, कि दोनों का भला, सीपीआई वाला तो है नहीं, मैं आपके अंदर ही सीपीआई की आत्मा को देख रहा हूं, सुनिए, दोनों का भला अब कौन करे, और इन दोनों से भगवान डरे, एक सहे शहजादा, एक सहे शहजादा, दूजा चीन का है प्यादा, और इनकी खास बात क्या है, कि गर्मी में बांटते हैं दोनों ये रजाई, कांग्रेस सीपीआई को बधाई हो बधाई, और एक कुआ में लटका दूजे के आगे है खाई। तो क्या मिलेगा आपको बंगाल में सर, कुछ मिलने वाला है? बंगाल में सिर्फ मिठाई मिलती है। दो तारीख का बात आप देख लीजिएगा क्या मिलने वाला है। दूसरा बात है, आप जो कांग्रेस सीपीएम का बात कर रहे हैं ना, अगर इतिहास थोड़ा ध्यान पे देखिएगा, ये हिटलर का विरुद्ध में स्टालिन एंड रूज भी, ट्रूमन, इन लोगों का भी अलायंस बने थे, अमेरिका एंड रशिया के भी अलायंस बने थे। हुआ क्यों, क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों जो इविल पावर्स है इनको हटाना पड़ेगा, तो अलायंस करना पड़ेगा। अभी आपका गाना एक तरह है, कोई दूसरा गाना आपको निकालना पड़ेगा 2 साल बाद। अब देखिए, बिल्कुल हाँ, अभी बात हो रही सर कि बीजेपी के बारे में कोई बात नहीं करता है, अब मैं सारी बात बीजेपी के बारे में ही करता हूँ, और आप दोनों को सर मैं जैकपॉट दे रहा हूँ, जैकपॉट लीजिए और कविता सुनिए सर। बीजेपी कह रही है बंगाल का इम्तिहान पास करेंगे, चुनाव जीत जाएं फिर विकास करेंगे, चुनाव जीत जाएं फिर विकास करेंगे, तो जनता पूछ रही है अब तक कुछ खास नहीं कर पाए क्या, 18 सांसदों के होते हुए भी विकास नहीं कर पाए क्या? क्या बात है, वाह, 18 सांसदों के होते हुए भी विकास नहीं कर पाए क्या, और विकास न कर पाने के लिए सांसदों की क्या मजबूरी है, या विकास के लिए राज्य में सत्ता ही जरूरी है, और मान लीजिए जीत गए, आसोल परिवर्तन इस बार में हुआ, तो यहां भी वैसा ही विकास करेंगे जैसा यूपी और बिहार में हुआ, और अगर जनता ने पूर्ण बहुमत सौंप दिया तो वैसे ही विकास करेंगे जैसे पेट्रोल गैस और बेरोजगारी का किया, वे जैसे पेट्रोल गैस और बेरोजगारी का किया, और आपने तो देश का अप्रैल फूल बना के धर दिया, लोग प्याज का दर कम चाहते थे, आपने ब्याज का दर कम कर दिया, क्या कहने, हाय हाय,
लोग ब्याज का दर कम चाहते थे, आपने ब्याज का दर कम कर दिया और गलती कहकर खेद जता दिया, किराए पर रहने वाली महिला को आवास योजना का लाभार्थी बता दिया। बहुत अच्छे। आवास योजना का लाभार्थी बता दिया। आप धन्य तो हैं, पर पता नहीं आपकी समझ में ये क्यों नहीं आता है कि आपकी ओवरसाइट, छोटी सी गलती से मिडिल क्लास को हार्ट अटैक आ जाता है। मिडिल क्लास को हार्ट अटैक आ जाता है। आप तो चाहे महंगाई, रोजगार, विकास के कितने वादे कीजिए, पर मजा तो तब आए जब गलती से ही सही उन्हें पूरा भी कर दीजिए। वरना गलतियां देख देख कर कॉमन मैन का दिमाग अकड़ जाएगा। चलेगा तो वोट आप ही को देने, पर गलती से वोट किसी और को पड़ जाएगा। गलती से ये तो इनसे इस पे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यही है सवाल। जी स्वाभाविक रूप से मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल में विकास की बात जो आपने कही है वो यूपी जैसा ही होगा। आप एक चीज समझ लीजिए कि बेटे को बिना डॉक्टर बनाए उसे इंजेक्शन नहीं लगवाया जाता है। हमारी सरकार बनने दीजिए, भरोसा रखिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने काम कर दिखाया है। आपने जो बात कहा, इस कोरोना के महामारी के काल में जिस तरीके से पूरी दुनिया ने एक आर्थिक तंगी को झेला है, बेरोजगारी को झेला है, उस समय में देश के 130 करोड़ लोगों को संभाल के रखना, वो जीवित रहें, उन तक राशन पहुँचे, गरीब महिलाओं तक गैस के सिलेंडर पहुँचे, इसका काम भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। इस बात को आपको समझना होगा।